हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर ग्रेट्स. दिस इज निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ एन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक आईपीमैट. सो पहली चीज तो ये कि कोई एवरेज नाम की कोई चीज होती नहीं है, राइट? एवरेज मतलब कि आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं एवरेज है, इसलिए आपको एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जा रहा है. तो चलिए बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट की जो कहीं ना कहीं दिस इज फॉर ऑल, राइट? अगर आप किसी की मेंटालिटी है या किसी ऐसे स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा आईपीमैट कहीं ना कहीं टफ लग रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे फेस हो रही है, मुझे फील हो रहा है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाने में थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, और इन पॉइंट से कैसे निकल के एक प्रॉपर वे में आप आपकी प्रेपरेशन को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हो और एंड तक आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो सकता है. तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनके पॉइंट्स को समझना. तो सबसे पहली चीज क्या होती है, ऑलवेज रिमेम्बर, सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर आपका कोई टारगेट है, अगर आपने किसी भी एग्जाम को आपने यहाँ पे चूज कर लिया कि ये एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो याद रखना सबसे मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग उस एग्जाम के लिए कि वो एग्जाम किस टाइप का है. जैसे कि यहाँ पर उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जा रहे हैं. जैसे अगर हम आईपीएम की बात करें तो बेसिकली आपको वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, राइट, वीआरसी मिलेगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, और उसके बाद फिर मैथ्स में अर्थमेटिक एंड हायर मैथ्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. तो ये बेसिक चीज होती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं. इसके लिए यहाँ पर आप एक चीज की और हेल्प ले सकते हो, PY, प्रीवियस ईयर पेपर, राइट, PYP. इसमें यहां से होगा क्या कि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर आप देखोगे, उसका एक एनालिसिस अगर आप यहां पे करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि इसका डिफिकल्टी क्या जा रहा है, किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर ये एग्जाम. हाँ, आपका लेबल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हाँ लेबल फिर से देखना मत, है ना, मैच मत करना कि मुझे तो आती ही नहीं है. सीखोगे, टाइम लगेगा, और 101% अगर आपके एफर्ट बहुत ही ऑनेस्टली अगर आप कर रहे हो तो 100% आपका एग्जाम आपका ही है. सेकेंड पॉइंट ये होता है कि फिर उसका सिलेबस क्या है, राइट, कि एग्जाम तो मैंने समझ लिया है, ये लेबल है और ये पर्टिकुलर मेरा टारगेट है, फिर उसका एक सिलेबस क्या है, टोटल कितने चैप्टर्स यहाँ पर आपको कवर करने हैं. और ये चीज नॉर्मली गूगल पे हर चीज आपको मिल जाएगी, तो ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं है. जैसे कि आप ये वीडियो गूगल पे जाके यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, वैसे ही आपको हर एक चीज की छोटी छोटी चीजें हमारे ही चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड हैं, बनाई गई हैं. अगर आप सर्च करोगे तो वो चीज भी आपको इजीली मिल जाएगी, एंड इनफैक्ट की ओवरऑल भी मिल जाएगी, इंदौर का क्या, रोहतक का क्या है, जिपमैट का क्या है, एवरीथिंग, राइट. तो यहाँ पर सेकेंड आपको ये पता करना है कि इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम कब होता है. ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं आपको और आपके एग्जाम को, और कहीं ना कहीं ये दूर करती हैं आपके उस डर को, और यहाँ पर ये इंक्रीज करती हैं आपका कॉन्फिडेंस. तो इस चीज का याद रखना बस आपकी मेंटेलिटी में है कि एग्जाम टफ है या मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बस आपके दिमाग में ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंड पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, पहली चीज की जैसे ही आपने ये क्लियर कर लिया, आपने एग्जाम को थोड़ा सा समझ लिया कि एग्जाम किस टाइप का है, अब यहाँ से आपकी असली जो है रियल जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, राइट. कि पहली बात फिर आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है. मेजोरिटी में बच्चे गलती क्या करते हैं कि हम रैंडम प्रिपरेशन करने लगते हैं, एक रैंडम हमारी तैयारी चल रही होती है कि जस्ट हमने आज हमें टूअर्स मिल गया, अभी नया नया था, न्यू न्यू था, एग्जाम सुना और थोड़ा सा हमने आई एम के बारे में जाना, यूनिवर्सिटीज के बारे में जान लिया, उसके आगे के फ्यूचर के बारे में जान लिया, तो एक एक्साइटमेंट आपका अलग लेवल का था. तो हुआ क्या, आपने 2 3 4 डेज बहुत अच्छी तैयारी कर ली, और जब जैसे ही फिर थोड़ा सा हैक्टिक होने लगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बोर्ड्स प्लस आईपीएम को यहाँ पे देने वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं उनकी तो फिर बात ही अलग है, उनका तो टारगेट ही एक है, राइट. और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे बोर्ड्स पे भी फोकस करना है, तो अपने आप में एक नेगेटिविटी यहाँ पर खुद क्रिएट कर रहे हो, और कोई रीजन यहाँ पर नहीं है. तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से जाओगे, जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे कि एक अगर आपने एक स्टडी प्लान आपने क्रिएट कर लिया, याद रखना स्टडी प्लान आपका खुद का होना चाहिए बच्चे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान सकते हो आप, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पर 8 आवर्स स्टडी करने के लिए कैपेबल हूँ, मेरी एफिशिएंसी अच्छी हाई है और मैं पर डे 8 आवर्स मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल मेरे से ज्यादा हो,
आपकी जो एक ग्रेस्पिंग पावर है वो अच्छी ज्यादा है, और वही चीज जो मैं 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा हूं वो आप 6 आवर में कंप्लीट कर सकते हो, बात समझना। लेकिन आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक स्टडी नहीं कर सकते, मतलब आप 8 आवर्स 10 आवर्स नहीं कर सकते, और मैं वही चीज आपको करने को बोल दूं क्या होगा बोलो? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैंने एक्सपीरियंस लोगों को भी मैंने देखा है जो ऐसा बोलते हैं कि आपको 8 आवर्स पढ़ाई करनी है, 10। अरे क्या होता है ये, अगर वही चीज अगर मैं 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई एम कैपेबल। सो जस्ट लिसन कि आप क्या चाहते हो और आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी एफिशिएंसी क्या है पहले ये तो जानो। कोई दूसरा पर्सन आपको चला रहा है, इट मीन्स यू आर अ रोबोट, दैट्स इट मेरी लैंग्वेज में, राइट? तो क्रिएट आपको प्लान करना है, आप खुद जस्ट एक यू नो अपने आप से पूछना है, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ और जस्ट एक प्लान आपको बनाना है पर डे आप कितना यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर आप आईपीएम को दे सकते हो, अलग अलग चलेगा। अगर ड्रॉपर का है वो प्लान अलग होगा, अगर आप बोर्ड्स मतलब 12th में हैं और फिर अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्लान अलग होगा, और जो 11th में हैं और फिर जो आईपीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्लान थोड़ा सा यहाँ पर अलग होगा। तो तीनों की जो है प्लानिंग अलग होगी, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग होगी, क्या क्या टास्क है वो थोड़े से यहाँ पे अलग अलग होने वाले हैं, बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको वो प्लान यहाँ पे बनाना है, राइट? कि यहाँ पे जस्ट सपोज अगर आप 12th पर हो, 12th आप बोर्ड देने वाले हो, और अगर आप 3 to 4 आवर्स डेली आप दे रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसिस्टेंटली अगर आप यहाँ पे 3 to 4 आवर्स अगर आप दे रहे हो, आप देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ये जो प्रेपरेशन है ये कितनी स्ट्रांग हो चुकी है आने वाले टाइम में। सेकेंड चीज ये होती है स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल के लिए अलग 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 माइंड नहीं चलाना कि सपोज आपने एक चैप्टर ये वाली बुक से कर लिया, फिर अब पसंद नहीं आ रही है तो फिर ये बुक कर लिया, फिर ये बुक, अगर आप ये रिसोर्सेज अगर आप चेंज करते जाओगे आपकी जो कहीं ना कहीं एक जो स्टडी अच्छी चल रही है वो भी चेंज होते जाती है। तो एक पहले तो एनालिसिस कर लो कि आपको कौन सा मटेरियल रिलायबल लग रहा है, बस वही आपको प्रेफर करना है, 1 से 2 बुक प्रेफर करो, दैट्स इट। मगर ये डन कर लेना कि क्या यूज करना है। दूसरी फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में ये चीज है कि कहीं ना कहीं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, डिफिकल्टी फील हो रही है, तो आप यहाँ पे ये ट्राई करोगे कि आपकी जो भी जैसे मैथ्स की हम बात करें, अर्थमेटिक हो गया या हमारा हायर मैथमेटिक्स हो गया या लॉजिकल रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं, राइट? और भी अगर हम यहाँ पे बात करें वर्बल एबिलिटी में, हमारे जो भी आरसीज को रीडिंग करने की चीजें होती, ग्रामर हो गई हमारी, राइट? इनके जो कॉन्सेप्चुअल है मतलब जो बेसिक है वो आप स्ट्रॉन्ग करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक बार स्टडी कर लिया और आप बस प्रैक्टिस पर जा रहे हो, मेरे हिसाब से 1 से 2 बार अगेन उसे रीड करो और उसे ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, बार बार रीड करो, सो दैट जब तक वो बहुत अच्छे तरीके से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फर्दर आपको आगे मूव नहीं करना है। मतलब ये नहीं सोच रहा है, मूव तो करना है, ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ मतलब जस्ट मैं इसे काम चला लूंगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल आपकी जो यू नो टॉपिक्स हैं जो क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके बाद ये चीज आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, दैट इज प्रैक्टिस, राइट? हाँ, आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हो प्लान कि आपको वीकली मतलब यहाँ पे लेके चलना है, इसका एक एनालिसिस कर लेना वीकली या फिर बाय मंथली कर लेना, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो डेली होनी चाहिए आपकी। याद रखना प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो हमारा फियर होता है, हमारा जो फोबिया होता है वो निकल जाता है। प्रैक्टिस और टेस्टिंग ये दोनों बरकरार रखना। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम का मतलब है मॉक टेस्ट भी जब आपका स्टार्ट हो जाएगा वहीं से आप अलर्ट मोड पे रहोगे कि जो भी आपके इजी टॉपिक आपको लग रहे हैं, जो ये जो इजी क्वेश्चंस हैं पहले आपको वो अटेम्प्ट करनी है, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस है वो अच्छे लेवल पे मतलब कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, राइट? आपको लगने लगे कि यस यू कैन डू, यू कैन क्रैक द एग्जाम। उसके बाद फिर मॉडरेट लेवल एंड देन हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो कैसे मैनेज करना है, एक मैनेजमेंट मतलब जैसे हम रोहतक की बात करें तो फिर थोड़ा सा एक मैनेजमेंट समझना कि आपको वर्बल के लिए कितना टाइम देना है, आपको यहाँ पर एलआर के लिए कितना टाइम देना है, आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए कितना टाइम देना है, तो वो जो एक टाइम मैनेजमेंट होता है वो आप यहाँ पर सीख जाओगे अपने आप से। बार 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 जब आप मॉक दोगे उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करोगे, 101% आपको ये समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है और कैसे करना है। जितनी बार आप ये रिपीटेशन करते जाओगे मॉक टेस्ट का, कि मॉक दिया, एनालिसिस किया, आपके नेगेटिव पॉइंट आपने नोट डाउन किए, कैसे मैनेज करना है ये मैं रोहतक की बात कर रहा हूँ,
इंदौर में हमारा सेक्शनल टाइम होता है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट फिर वो वही चीज आती है कि उस पर्टिकुलर टाइम में मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या होने वाला है, ये सब आपका मॉक टेस्ट दे दे के आपके गलतियां आप ऑब्जर्व करना, उन्हें नोट डाउन करना और उन पर वर्क करना, ये धीरे धीरे चीजें आपकी होती जाएंगी और आपकी जितनी भी निगेटिव पॉइंट है वो सब यहाँ से हटते जाएंगे। तो ये कुछ हमारा एक बेसिक्स था, ये हमारा बेस था जहां से आप आपका बेस बना सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या समझा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको एग्जाम क्लियर करना है या नहीं करना। अगर कर लिया तो फिर थोड़ा सा एग्जाम के बारे में समझो, सिंपल सी बात करते हैं, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, राइट। एग्जाम के बारे में समझो, उसका पैटर्न क्या होता है, पॉजिटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, उसका सिलेबस क्या है, देन अपना एक प्लान बनाओ। अगर आप 12th में हो तो आपका कितना टाइम स्कूल में जा रहा है, कोचिंग्स में जा रहा है, और आप कितना टाइम यहाँ पर दे सकते हो और कितना सही रहेगा, जो भी कुछ है। एंड उसके बाद फिर आपका जो मटेरियल है, जो बुक्स वगैरह आप जो स्टार्टिंग में यूज करने वाले हो, वो आपकी क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। एक दो बार ऐसा रैंडम कुछ नहीं कि इसने बोला हमने जाके उस पर तैयारी शुरू कर दी। आप खुद एक बार उसे देखने की कोशिश करो, खुद समझो कि खुद आप इतनी इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो कि ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना और ये जो पॉइंट मैंने बोले थे इनको बना के रखना, ये टेस्ट के बाद आ ही जाएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल से पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट। हमारी जो जर्नी है इसमें ये हमें इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं। अगर आपको लग रहा है ये मतलब ये वो वाला पॉइंट है, मे और मे नॉट वाला, राइट। अगर आपको लग रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कोचिंग क्लास का, याद रखना जब हम एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर वाइज हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ कि आपको अभी मतलब हर दिन आपकी क्लास लग रही है, टेस्ट आ रहा है, तो कुछ उस टाइप के स्टूडेंट होते हैं या कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग होते हैं ना कि जिन्हें कहीं ना कहीं वो एक हंटर की जरूरत होती है, राइट। चलो उठो, ये काम करना है, चलो आज ये टेस्ट देना है, चलो ये पढ़ाई करना है। उसके बाद जब वो चीज आई होप कि आपने सुना होगा 21 डेज फॉलो करने में या 40 डेज फॉलो करने में हैबिट बनने लगती है, तो वैसे ही जब हमारा यहाँ पर हमें ये एक हंटर मिलेगा, राइट, कि हमें तैयारी करनी है, आज हमारा ये लेक्चर है, आज हमारा वो टेस्ट है, आज हमारा ये रिव्यू है, तो कुछ तो डेज के बाद फिर आपका एक कनेक्शन होगा और 101% आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप आपकी पढ़ाई करना अच्छे जोरों शोरों से करने लगोगे। अगर लग रहा है तो कर लो, ये अप टू यू है, आपका डिसीजन है ना। उसके बाद सेकेंड चीज ये है, स्टे अपडेटेड, हर एक चीज के लिए अपडेटेड रहना है आपको। यहाँ पे जैसे हम बात करें आगे जाके हमारे जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज से कनेक्टेड रहना, करंट अफेयर से कनेक्टेड रहना, राइट। तो बस इनके बारे में अपडेटेड रहना, एग्जाम्स के बारे में अपडेटेड रहना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हेल्थ, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमें हेल्थ का भी ध्यान देना होता है। हम इतने नंबर ऑफ अवर्स अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा रूटीन क्या चल रहा है, हमारी हेल्थ पर हमें ध्यान देना है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, राइट। एक हमारा एटमोसफियर क्या चल रहा है वो, हाँ हाँ अगर छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे, यकीनन बहुत ज्यादा इनके इम्प्रूवमेंट एट ए टाइम तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अच्छी चीजें होते हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो थोड़ी देर के बाद होते हैं जब हम इनको हम फॉलो करते होते हैं। तो उसके बाद स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव इज जस्ट इन योर माइंड, बस नेगेटिविटी आपके माइंड में ही है, अगर वो निकल के बाहर आ गई फिर देखना सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तो जस्ट ट्राई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चे हमारे, बस इतना ही था मेरे एंड से। और अगेन आई रिपीट कि एवरेज स्टूडेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, राइट। और कमेंट में जरूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक, यू आर एवरेज स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट, व्हाट एवर यू थिंक, राइट। हाँ तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको वो वीडियो चाहिए है, तो यू कैन कमेंट, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो नीचे। और आगे की वो चीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।